अच्छा तो ये देखें शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं मैंने, इनको मैं निकाल लूँगी और इसी पैन में हम अंडा थोड़ा सा डाल के वो भी फ्राई करेंगे। बस इतना सा मैं फ्राई करूँगी, बाकी मैं बर्गर्स के साथ इनको रेडी करूँगी या फ्लेम थोड़ा सा हाई करके, तो आप इसको बना लें। अच्छा तो अब हम बर्गर बन पैटी जो है इनको गर्म करेंगे, बर्गर बन है पैटी नहीं है, इनको थोड़ा सा एक चम्मच मैंने ऑयल डाल के इसको मैं गर्म करूँगी। इनको आप इसी तरह से गर्म कर लेना, मीडियम फ्लेम रख लें और इसको थोड़ा सा आप गर्म कर लें, इसको आप रोटेट करते रहें तो भी ये अंदर से भी थोड़े से क्रंची एंड गोल्डन से हो जाएंगे, जिस तरह से बाजार में टेस्ट मिल रहा होता है तो उसी तरह से ये टेस्ट में आपको मिलेंगे। अब आपने इसको इस तरह से करके साइड चेंज कर लें, जब तक ये गर्म होते हैं तो फिर मिलते हैं हम। अच्छा दीदी अब आपने पैन में दोबारा से एक चम्मच ऑयल डालना है और आपने फिर ये जो आपका बाकी का एग रह गया था आपने उसको इस तरह से डाल लेना है, ठीक है, पैन में, और इसको थोड़ा सा कुक होने दें और फौरन ही आपने इसके ऊपर बर्गर बन, इसको हम इसके ऊपर बर्गर बन रख देंगे ताकि जो बर्गर बन है जो वो इसके साथ चिपक जाए, क्योंकि बाजार में आपको ऐसा ही टेस्ट मिलता है। आपने इस तरह से करके इसके ऊपर जो बाकी के बर्गर हैं आपने उस तरह से इसको हिला लेना और आपने इस तरह से इसको एक साइड से करना है। और अब हम एक और एग लेंगे, दोनों साइड्स को आपने एग से कवर करना है, ठीक है। इसको थोड़ी देर कुक होने दें और इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से हम कुक करेंगे। एक जगह पे अंडा लगा लिए, अब आपने एक और एग लेके बीट करके उसको भी दोनों साइड पे आपने उसको भी हिला लेना है, क्योंकि बर्गर्स पे आपको दोनों साइड पे आपको ये अंडा जो होता है वो मिलता है, तो आप फिर इसको लगा के तरफ से इसको थोड़ा सा कुक कर लें, इसको रोटेट कर लें ताकि अंडा आपके सारी जगह से ये भी कुक हो जाए। अच्छा तो अब बर्गर्स की हम टॉपिंग करेंगे, इसके सारे पैटीज के साथ हम फिल करेंगे इसको। अब आपने वन बाय वन पैटी रखना है, शामी कबाब जो हमने फ्राई किया था, ठीक है, उसको रख लें। इसको रखने के बाद आप स्पून की मदद से इसको पूरा स्प्रेड कर लें इस तरह से, ठीक है। इसको करने के बाद हम वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने बंद गोभी लिए, इससे आप थोड़ा सा फिल करें इस तरह से करके, और इस तरह से थोड़े से बंद गोभी आप ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा, थोड़ी क्वांटिटी में ना रखिएगा, और बंद गोभी को भी आप थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि ये इक्वली सब जगह पे मिल हो जाए। अच्छा चलें, इसको करने के बाद आपने मायनीज डालनी है, मायनीज को भी ऐसे करके राउंड करके डाल लें ईच पैटी पे, इस तरह से आप मायनीज डाल लें। मायनीज डालने के बाद आपको चिली सॉस या सिंपल केचप जो सी भी पसंद है आप वो भी ऐड कर लें, ठीक है। और अब मैं फिल करूंगी इसको एग से, क्योंकि बाजार में जितने भी आपको पैटी मिलते हैं उसमें
अंडे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह से आप इसको भी फिल कर लें। सारे पैटीज को आपने इक्वली कर लिया, और अब जो हमारे फ्राई शुदा थे बर्गर, उनको भी हम इस पर फिल कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें खीरे भी डाल लें, ठीक है, इस तरह खीरे भी डाल के आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा वेजिटेबल आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप खीरे भी डाल लें। और फिर आप बर्गर्स को इस तरह से कवर कर लें जो हमने बनाया। तो देखिए मेरे व्यूअर्स, कितनी सिंपल रेसिपी है, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। आप इस तरह से रेसिपीज बना के बच्चों को ट्राई दें या लंच बॉक्स में दें। किड्स आर गोना लव दिस एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।